तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सिर्फ BGMI के अंदर एक ऐसा अचीवमेंट है जिसको कंप्लीट करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि बंदों को ये वाली ट्रिक पता ही नहीं है जो कि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे इसमें आप सबसे कमाल की चीज़ है कि आपको इस वाले अचीवमेंट में एक टाइटल देखने को मिलता है लाइफ लॉन्गर लर्नर का, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक सा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लेजेंडरी टाइटल है। तो यार ये जो अचीवमेंट है ये 99.990% लोगों का कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनको ट्रिक ही नहीं पता कि कैसे कंप्लीट कैसे करना है। तो गाइस कैसे कंप्लीट करना है आज के वीडियो में आप सभी लोगों को वही ट्रिक बताने वाला जो कि आज मुझे फाइनली मिल चुकी है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को सबसे पहले इस वाले अचीवमेंट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बंदा ऐसे करके खड़ा हुआ है ना, इसके उस ऊपर जाना है। देन आपको सबसे लास्ट में लाइफ लॉन्गर लर्नर का टाइटल देखने को अचीवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें गाइस आप सभी लोग को बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे अचीवमेंट पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे लास्ट में गाइस आप सभी लोग को जाकर टाइटल देखने को मिलता है लाइफ लॉन्ग लर्नर का टाइटल। तो यार आप सभी लोग को बता दूं कि ये जो टाइटल है ये लेना कैसे है। तो उसके लिए आप सभी लोग को यहाँ पे कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, तो इसमें लिखा है कि कंप्लीट 5 मैचेस ब्रदर इन आर्म्स मैचेस, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 मैचेस कंप्लीट करने हैं, 30 मैचेस कंप्लीट करने हैं, फिर सीधा 100 पहुँच जाते हैं ये लोग। पता नहीं 100 से 300 पहुँच जाते हैं ये लोग, इनका मतलब अलग ही रुतबा रहता है। तो भाई सर यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आप सभी लोग को ब्रदर इन आर्म्स मैचेस को खेलना है, कंप्लीट करना है, मतलब खेलना ही है। तो अब सभी लोग को जो कंप्लीट ब्रदर इन आर्म्स मैचेस है ये कैसे कंप्लीट करना है, तो क्योंकि इस आपके पास होते हैं दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये होता है कि जब आप नॉर्मली जो मोड वगैरह आता है उसको आप लोग खेल सकते हो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप लोग ब्रदर इन आर्म्स मैचेस खेल सकते हो। इसमें कैसे जाना रहेगा, देखो तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे फाइंड टीममेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड लिस्ट के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे 3 आदमी बने हुए हैं तो इस पर क्लिक कर देना। अब आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। अब कहीं सर यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर आप क्लासिक वगैरह खेलते हो, इसमें एक कमाल की चीज़ ये है कि इसमें आपको क्लासिक खेलने के कुछ आप लोगों को सप्लाई क्रेट वगैरह देखने को मिलते हैं मिशन कंप्लीट करने पे। एंड गाइस एक कमाल की चीज़ है कि जैसे आप अचीवमेंट कंप्लीट करके एक टाइटल लोगे ना, तो ऐसे इसमें भी है कि आप लोग इसको कंप्लीट करके आप लोग यहाँ पे ओके एक सेकंड में अपना फेस कैम एडजस्ट कर देता हूँ। ओके आप सभी लोग को बता दो कि जैसे आप इसमें खेलते जाओगे मैचेस वगैरह, तो जैसे आप 150 मैचेस कंप्लीट कर लेते हो तो इसके अंदर एक आप लोग को अलग से टाइटल देखने को मिलेगा जो कि है स्पेशल ट्रेनर का टाइटल, ठीक है। पर एक इसमें बहुत ज़्यादा खराब है, खराब ये है कि इसमें आप सभी लोग को जो यहाँ पे वितरण कैंप है इसमें मैचिंग होती नहीं है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे डुओ सेलेक्ट कर लो, चाहे आप स्क्वाड में खेलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप नूसा वगैरह मैप लगा लो, लेकिन यार इसकी जो मैचिंग है ना वो स्टार्ट नहीं होती, आप बोर हो जाओगे, आप खेल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब उस अचीवमेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है जो कि होता है ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। अब ट्रेनिंग कैंप भी ब्रदर इन आर्म्स में ही काउंट होता है, तो ऐसा मत समझना, ठीक है। पर इसमें आपको खेलने के कोई भी उधर से रिवार्ड नहीं मिलेंगे जो कि इधर से मिलने चाहिए, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा अलग खराब लगी मुझे। तो इसमें क्या है कि इसमें आप सभी लोग डुओ सोलो जो भी खेलना चाहो खेल सकते हो, लेविक वगैरह मैप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि सबसे बेस्ट रहेगा नूसा जो कि जल्दी भी खत्म होता है, तो आपको खेलना ही कहाँ है, आप लोग डुओ सेलेक्ट करो जिसमें आपकी कोई भी रैंक वगैरह ना हो, ठीक है। तो वो आप सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप सभी लोग ऐसे बंदे वगैरह इन्वाइट कर सकते हो, अगर बंदे नहीं पसंद आता तो आप उनको रिफ्रेश कर सकते हो, नए बंदे आ जाएंगे। और जैसे कोई बंदा आ जाएगा आपका यहाँ पे मैचिंग ऑटोमेटिक मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप लोग गेम में चले जाओगे। और सबसे कमाल की चीज है कि एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी मैचिंग हो जाती है ट्रेनिंग कैंप के अंदर। हालांकि अगर आप वितरण कैंप खेलोगे उसमें मैचिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डुओ सेलेक्ट कर लिया, अभी कहीं जैसे मैं फटाक से यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई रैंडम बंदा है उसके साथ स्टार्ट हो गया, हालांकि उसने एक्सेप्ट ही करा होगा तभी मैं मेरे लॉबी में आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मैचिंग स्टार्ट हो गया। जो लोग बोलते थे ना कि यहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं होता है यहाँ पे ब्रदर इन आर्म्स का, तो देख सकते हो भाई तुम्हारे सामने स्टार्ट हो चुका है और ये रैंकेड है, ठीक है। तो गाइस जैसे प्लेन पाथ का शुरू होता मैं फटाक से जंप कर दिया, और इसमें सबसे देख सकते हो कि इसमें अलग तरीके से आ रहा है नंबर, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर का अलग तरीके से है, कोई रंग बिरंगा नेम वगैरह नहीं आ रहे। तो आप सभी लोग को ऐसे उधर जाना है, आपका बंदा जो भी कर रहा हो तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बंदा भी आ गया, तो मुझे क्या करना है, उससे मरना ही है, तो मैं जाकर उस बंदे से ही मर लेता हूँ, इसके सामने जाऊंगा, ये देख सकते हो मुझे मार भी देगा, उसको बेचारे को गन भी नहीं मिली है। अरे भाई मार ले, तो भाग रहा डर के मारे, ये मारेगा नहीं, क्या बोट है क्या, तो इसके पीछे पीछे चलते, अगर इसको कुछ मिलता है तो जाहिर सी बात है मुझे मार देगा। तो यहाँ
पे मार दिया इसने, हाँ ओके नॉक कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग जाके मर सकते हो, मारने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। तो जैसे आप मर जाते हो उसके बाद आप लोग एग्जिट कर सकते हो। अब ये बंदा जब आपका मर जाएगा तो आपका यहाँ पे जो काउंट डाउन होता है, जो कि कंप्लीट करने का होता है प्रोसेस, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी रिकॉल वगैरह नहीं है, तो इससे ये दिक्कत भी नहीं होगी कि आपको रिकॉल का वेट करना पड़ जाएगा। तो सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि रिकॉल ना देने का, इसमें सबसे मेरे को लगता है पॉइंट यही है कि बंदे इसको खेलेंगे नहीं, मरेंगे ही आके, उसके बाद आप लोग आके अपना रेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके तो आपका यहाँ पर जब वो बंदा मर जाएगा उसके बाद आप सभी लोग को आना है अपने अचीवमेंट पे, एंड आपको चेक कर लेना है कि आपका भाड़ा 100% बढ़ेगा अगर आपने जैसे मैंने बताया वैसे करा होगा। अभी मेरा 16 है ना, थोड़ी देर के बाद अगर वो बंदा मर जाएगा तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग 200-300 मैच खेल सकते हो, एंड ये जो टाइटल है ये आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब नूसा वगैरह में जल्दी प्लेन पाथ उड़ जाता तो उसमें मैं ज़्यादा मेरे को बेटर लगा, मैंने रेंगल में आपको करके दिखाया। तो आप अपने हिसाब से मैप सेलेक्ट कर लेना कि आप किस में कंप्लीट करना चाहते हो। आज की इस वीडियो में आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय गाइस, अपना ख्याल रखना है, लव यू ऑल।